हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबको रोकना चाहूंगी। नरोत्तम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत बधाई कि आप बेटियों के हक में एक कदम उठाने जा रहे हैं। यूपी से शुरुआत हुई है। सवाल ये है कि इस कानून को कितना कठोर बनाया गया है, यूपी से कितना अलग होगा कानून, महिलाओं की बेटियों की, हिंदू बेटियों की जो लगातार जिंदगी जहन्नुम बन रही थी वो कैसे आसान होगी इससे। हम किसी प्रदेश से तुलना नहीं कर रहे हैं जी। हमने मध्य प्रदेश ने पूरी कोशिश की है कि इस कानून को हम काफी सख्त बनाएं, जिससे इस तरह का अपराध करने वाले अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो। हमने मध्य प्रदेश के अंदर तय किया है कि इस तरह की जो भी शादी करेगा, बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, धर्म परिवर्तन कराकर, उसे 10 साल तक का कठोर कारावास हो। अकेला उसको ही नहीं हो, अगर उसमें सहयोगी कोई है और सहयोग किसी ने किया है तो उसको भी उसमें 10 साल तक का कठोर कारावास। जो पुजारी मौलवी इस तरह का कराते हैं कृत्य, उनको भी सजा के दायरे में हम लेके आए हैं। हम ऐसी संस्थाओं को भी सजा के दायरे में लेके आए हैं जो संस्थाएं इनको दान देती हैं या इनसे दान लेती हैं, पैसा देती हैं या लेती हैं, हम उनको भी इसके अंदर लाए। इस विभाग को शून्य घोषित करने के अभी प्रावधान इसमें, और शून्य घोषित होने के बाद वो जो बेटी है, बहू है, जो परित्यक्ता है, वो संपत्ति में हकदार बने, वो हर्जा खर्चा मिले, वो बेटा उसका संपत्ति में हकदार बने और उसे हर्जा खर्चा मिले जी। ये भी हमने इसमें जोड़ा है जी। हमने सजा के साथ साथ इसमें आर्थिक भी 25,000, 50,000 और 1,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसके अंदर किया है। इसके अंदर हमने थानेदार से ऊपर का अधिकारी ही विवेचना करेगा, नीचे का नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान भी किया है। सर एक मेरा बड़ा सवाल यह है कि 28 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जाहिर है कि बिल पटल पर रखा जाएगा, क्या तैयारी है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि हंगामे की तैयारी तो पहले ही हो चुकी है, सड़कों पर भी विरोधी बयान दे रहे हैं कि यह सिर्फ एक वर्ग विशेष को डराने के लिए हो रहा है। उनकी राजनीति एक वर्ग विशेष को डराने की या तुष्टीकरण करने की रहती है। वो उस वर्ग विशेष को सिर्फ बातों से संतुष्टिकरण करने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद से आज तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने वर्ग विशेष को बातों से ही संतुष्ट किया है। यही कारण है कि आज भी उनकी गरीबी और उनकी बस्तियों की बदहाली आपको देखने मिलेगी। इन्होंने सिर्फ वोट लिए, शोषण किया, कभी उनके हित में काम नहीं किया। ये वो लोग हैं जो 370 का विरोध करते थे, वो इसका विरोध करेंगे। ये वो लोग हैं जो 35A का विरोध करते थे, वो इसका विरोध करेंगे। ये वो लोग हैं जिनने CAA का विरोध किया, इसका विरोध करेंगे। ये वही लोग हैं जिनने किसान बिल का विरोध किया, इसका विरोध करेंगे। ये वही लोग हैं जिनने GST का विरोध किया, अब इसका विरोध करेंगे। और इसलिए धर्म स्वातंत्र विधेयक का ये वही सब लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं वो सब विरोध करने वाले हैं। सर एक चीज मुझे बताइए कि इस पूरे बिल में जो कानून बनने जा रहा है इसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है, किसी समुदाय विशेष का भी जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समुदाय विशेष को क्यों लगता है कि उसको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि लव जिहाद शब्द ही जो जिहाद इस्तेमाल किया गया या इसका जो जन्म किया गया बीजेपी की तरफ से हुआ। हमने तो कहीं उल्लेख नहीं किया जी, लेकिन वो अगर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगता है इस विधेयक से, वो कहते हैं कि प्यार करना गुनाह है, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं, मैंने भी सुना उन्हें, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, वो प्यार जो जिहाद की तरफ ले जाए हम उसके खिलाफ हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी जो अश्लीलता की तरफ ले जाए हम उसके खिलाफ हैं। ये विधेयक भी उसके खिलाफ है और हम उसकी खिलाफत करेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक वर्ग विशेष ऐसे देख रहा है, अभी मैं जब डिबेट कर रही थी तब भी वो कह रहे हैं कि नहीं हमको टारगेट किया जा रहा है, जब किसी वर्ग का उसमें इस्तेमाल नहीं है तो इन लोगों को डर क्यों सता रहा है, इनके डर की क्या वजह आप देख रहे हैं?
चोर की दाढ़ी में तिनका भी तो होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होगा, हो सकता है कोई ऐसा हो। हमने तो कहीं नहीं लिखा, आप पूरा पढ़ लो विधेयक, लेकिन ये डर रहे तो क्यों डर रहे, और ये आशंका इन्हीं के मन में क्यों आती है, बाकी किसी के में क्यों नहीं आती, हर बात का भय इन्हीं को क्यों होता है। यही नहीं तो बात करी थी ना कि 3 पीढ़ी के कागज दिखाए जाएंगे नहीं तो पाकिस्तान भगा दिए जाएंगे। साल भर से ऊपर हो गया, एक हाथ ने कागज दिखाया क्या, एक हाथ पाकिस्तान भगाया क्या, लेकिन इनको डर है। आज कश्मीर में रोजगार के अवसर होने लगे, कश्मीर के अंदर आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू कर दी, कश्मीर में चुनाव हो गए, नगर पालिका नगर निगम के सब कुछ हो गया, शांति हो गई, ये कह रहे थे देश टूट जाएगा, ये कह रहे थे देश में आग लग जाएगी, लगी क्या, ट्रिपल तलाक में कह रहे थे हाहाकार मच जाएगा, मचा क्या। इनकी आशंकाएं जनता ही निराधार कर देगी, आप देखते तो चलिए। हम तो लगातार बिल लाते जाएंगे और कुछ है जो बिल बिलाते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि सर बिल लाएंगे, लोग बिल बिलाएंगे, बिल बिलाहट इस वक्त नजर भी आ रही है। लव जिहाद के नाम पर कितनी बेटियों की सरेआम जिंदगी को जहन्नुम बनाया और कितनी बेटियों की जिंदगी छीन ली गई सर। अब बेटियां उम्मीद कर रही हैं कि निश्चित तौर पर पूरे देश में ये कानून आए, आपकी क्या राय है? शुरुआत अच्छी हुई है तो परिणाम भी अच्छा आएगा, आप प्रतीक्षा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये और व्यापकता लेगा। कोई भी दल अगर इसको लाएगा हम उसका स्वागत करेंगे, हर दल का स्वागत करेंगे। सर केरल के मैंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए, तब जाकर यह खुलासा भी हुआ कि एक योजनाबद्ध तरीके से पूरी मशीनरी काम कर रही है धर्म परिवर्तन के लिए, बेटियों को कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जब षड्यंत्र है तो कानून क्यों ना बने, क्यों लोगों को दर्द हो रहा है, कानून बन रहा है तो। ये जो भी अच्छी चीज होगी इनको दिक्कत होगी जी, इनका स्वभाव है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, सिर्फ इनको देश जब जातियों में बटेगा, धर्म पे लड़ेगा, विभाजनकारी बातें होंगी तभी इनको अच्छा लगेगा, बाकी सब में ये नाराज ही रहेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, करोड़ों बेटियां इस वक्त आपको देख रही हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पर इसका विरोध हो रहा है, आप कहिए सर कि वाकई उन राज्यों को भी जरूरत है उन बेटियों के हक में एक कानून लाने की, आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे। मैं कह रहा हूं कि वो लाए, मैं कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां इसकी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, उनको लाना चाहिए ये विधेयक बेटियों के हक में, हमारी बहुओं के हक में, कन्याओं के हक में लाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हाथ जोड़ के उन सब राज्यों से। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी हिंदुस्तान पर इतना समय देने के लिए, बेटियों में खुशी की लहर दौड़ाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा का भाव उनमें जगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।